सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। हम लोग ये माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन खेल रहे हैं एंड्रॉयड में। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये एक रैंडम सीड है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में माउंटेन है, वाटरफॉल है एंड सैंड्स दिखाई दे रहा है मुझे एंड बहुत सारा पेड़ है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज का एपिसोड। एंड आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एंड अपने लिए थोड़ा बेसिक टूल्स क्लिक करेंगे और अपने बेस के लिए एक लोकेशन चूज करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं होगा स्पॉन लोकेशन से, ताकि अगर मैं बाई चांस मर जाऊँ, क्योंकि मैं प्रो तो हूँ नहीं, तो समझ रहे हो, वही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड बाय पंचिंग सम ट्रीज। तो ये अपना फर्स्ट टूल बन चुका है एंड मैंने एक पिकेक्स और एक्स बनाया है, क्योंकि पिकेक्स मुझे क्राफ्टिंग टेबल तोड़ने के लिए आसानी होगा। एंड जब न्यू वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं तो क्राफ्टिंग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एक्चुअली ना गाइस, मेरे जो ये बटन्स है जहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोलर बोल भी सकते हैं आप लोग, तो उसको मैं उसका साइज चेंज करने वाला हूँ। कैसे आप लोग को दिखाता हूँ मैं, कैसे आप लोग को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके टच वाला ऑप्शन जो है थर्ड नंबर पे कंट्रोल्स का, उसमें क्लिक करना है एंड जो ये बटन साइज़ है उसको आपको 75 के आसपास रखना है। थोड़ा चेंज होने से भी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगता है देन आपका ये कंट्रोलर बड़ा हो जाएगा। देन ये आपके हिसाब से मुझे ठीक होना चाहिए, मेरे हिसाब से 75 ठीक है, अगर आप चाहे तो 100 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बर्च फॉरेस्ट के उधर में आ गए हैं एंड यहाँ पे प्लेन्स बायोम में एक पिक दिखाई दे रहा है जो मुझे खुद हूँ, मतलब मार्क्स लगा के हूँ पिक का। तो हाँ, ये बर्च फॉरेस्ट आ गया। ओके, सो लेट्स कलेक्ट द फर्स्ट स्टोन। यहाँ पे एक ड्राउन है, इधर ओए, भाग गया कोई बात नहीं। या फूड भी कलेक्ट करना है एंड मुझे वो भी चाहिए। पिगीस, ये 3 पॉक चॉप, ये एक और पॉक चॉप, बट मुझे कुट पॉक चॉप चाहिए। इट्स ओके, यहाँ पे एक केव है, लेट्स सी इस केव के अंदर में क्या है। ओके, पहले तो मैं थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं स्टोन टूल्स बना सकूँ एंड एक स्वॉर्ड बना सकूँ अपने लिए, बिकॉज केव के अंदर में निहत्था जाना, आई डोंट लाइक दैट, ये अच्छा प्लान नहीं है। यस, कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्टोन्स हो गया, कुछ और ले लेते हैं। ओके, अभी 16 स्टोन्स हो गया, फिर से क्राफ्टिंग टेबल उतारना पड़ेगा एंड पहले थोड़ा सा ये स्टिक्स, देन उसके बाद एक स्वॉर्ड, एक्स एक्स इज नॉट नेसेसरी बट बना लेते हैं एंड एक शवल भी बना लेते हैं। तो ये आ गया, एक सौ स्टिक बचा है अपने पास, ये अपने हॉट बार पे सब कुछ रख देते हैं। एंड अभी भी 7 स्टोन्स है अपने पास, तो एक और स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग फर्नेस भी बना सके, दैट विल बी नाइस, क्योंकि ये कुक पॉट शूट को पकाने के लिए भी चाहिए होगा। यस नाइस, डॉग्स है ऊपर में, बट मेरे पास स्टोन्स वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, तो हम लोग लावा के पास जाते हैं एंड मुझे फर्स्ट पीस ऑफ आयरन दिख चुका है। यहाँ पे एक ग्रेवल है, उस ग्रेवल को तोड़ देते हैं, कोई बात नहीं।
ये ग्रेवल भी टूट चुका है। यहाँ पे आयरन है, आयरन ले लेते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट आयरन। वो कोल मिल गया तो हम उसको स्मेल्ट करने के लगा देंगे, बट मैं उससे आयरन को स्मेल्ट करना, आयरन क्या कुछ भी स्मेल करने में प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वुड उतना एफिशिएंट नहीं है। बहुत सारा वुड लगता है सिर्फ एक पीस ऑफ स्मेल्टिंग करने के लिए ना, इसलिए मैं वुड को मैं प्रिफर नहीं करता, मैं कोल को प्रिफर करता हूँ। कोल अवेलेबल होगा, कोल एबंडेंट है, ऐसी लगा देते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। तो सॉरी हो गया तो भाई, कितना कमी का तो अंधेरा हो गया यार। No! Die! मुझे फर्स्ट एपिसोड में मारना नहीं है, I'm honest with you, इसलिए मैं केव के अंदर जाने वाला हूँ, आयरन ढूंढने वाला हूँ, आयरन मतलब कोल ढूंढने वाला हूँ, सॉरी। लिटरली टू हार्ट्स है मेरे पास, एंड क्या ही बोलूँ, होल टॉर्चर होने से भी हो जाएगा। सो हियर गाइस, मुझे फर्स्ट बीट ऑफ कोल दिखाई दे चुका है, एंड इससे मैं टॉर्च बनाऊंगा। ओके, टॉर्च बन जाए, यस, ये टॉर्च आ गया। नाउ इट्स माइनिंग टाइम, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्मेल्टिंग वेल्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। एक अपने लिए फर्नेस बना लेते हैं, ये आ गया फर्नेस, छोटा सा बेस बना लेते हैं, एंड खाना पका लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोल है, एंड ये कुक होके रहेगा, एंड मैं आयरन भी स्मेल कर लूँगा, एंड थोड़ा सा केविंग करने के बाद मैं आप लोग को ऊपर मिलता हूँ, जब तक दिन हो जाता है। ओके, इसके साथ मिलते हैं आपको ऊपर में, या और भी कोल है, आयरन भी है। ओके, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। हे गाइस, जब तक ये कोल स्मेल्ट हो रहा था, मतलब कोल नहीं, आयरन स्मेल्ट हो रहा था, एक्चुअली मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही आयरन था, एंड ज़रा नहीं था, तो सिर्फ 7 ही आयरन हो चुका है मेरे पास अभी। तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा केविंग किया ना, तो मुझे ये सब जगह एक्सप्लोर किया, ठीक है। बाद में यहाँ पे मुझे ये आयरन का गुच्छा मिला, मैं सोचा आप लोग के साथ ही इसको खो दूँ। यस, सिर्फ दो, एंड ये तीसरा, वो है, बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा है यहाँ पे, 4-5 और निकल रहा है, और एक्सपोज हो रहा है, देखो कितना बड़ा गेन हो गया। जो भी हो, अपना काम तो हो रहा है, शायद इसी एपिसोड में मैं अपना आर्मर भी बना लूँगा शायद। हाँ, ऐसा होने से तो अच्छा है। ये आ गया, और है कोल भाई, और कोल है यहाँ पे, और कोल मतलब आयरन है, सॉरी। ये मिल गया, एंड ये मिल गया। ओके, तो कितना आयरन मिल गया मुझे, 17 आयरन मिल गया, 7 है मेरे पास, अच्छा। ओके, तो मैं फुल सेट ऑफ आयरन बना सकूँगा, एंड मुझे ये वाला जगह मिला ना, जहाँ पे एक बेड घूम रहा है, इस जगह को लाइट अप करते हैं पहले। यहाँ पे एक, तो ये, ओ यहाँ पे और आयरन से, इसी एपिसोड में मैं सब कुछ बना रहूँगा, तो यस, स्टार्टिंग बहुत अच्छा हो गया। 20 आयरन के और हैं, 7 आयरन इंगट है, एंड कोल्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, नाइस। Mm-hmm.
यहाँ पे और एक्सप्लोर करने का जगह है, बट मैं सोच रहा हूँ पहले ऊपर जा लूँ, बाद में एक्सप्लोर करते हैं। या तो क्या कहते हो, केविन कर लो। मुझे एक्चुअली रात में रेकॉर्डिंग करना पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाई नहीं देता होगा, मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए मैं रात के टाइम में केविन ही प्रेफर करता हूँ फर्स्ट नाइट पे, ताकि मॉब से बच के रहूँ, क्योंकि केव के अंदर मॉब्स बहुत कम होते हैं ना रात के ऊपर में, क्योंकि ऊपर में स्पॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए रात को केविंग करना है मुझे, मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड में खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग को लगता है कि एंड्रॉयड में हार्ड है ना थोड़ा सा, तो आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाला है इसमें। थोड़ा सा और मैं स्टिक्स बना लेता हूँ, ये टॉर्चेस आ गया, यहाँ पे और आयरन से, नाइस नाइस नाइस, ऐसे मिलना चाहिए। लेवल 5 हो गया एक्सपीरियंस। आई थिंक मुझे और गोल नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो बाद में। ओ ब्रो, कीपर ब्रो, कीपर 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 कीपर, शिट। कोई बात नहीं, तो बाकी का केव हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी चलते हैं ऊपर में। ऊपर का रास्ता इस साइड में है। अगर आप पूछें अभी मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं देखो हर जगह राइट साइड में सिर्फ लगा रहा हूँ ना, तो मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा अगर तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में एक है, क्योंकि वॉल नहीं था पड़ा है, इसलिए इधर पे, तो यहाँ पे राइट साइड में, मतलब राइट साइड में नहीं जाना है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉर्च है वहाँ पे जाना है, जैसे कि ये। तो ऐसा करके मैं केविंग करता हूँ, ताकि मैं गुम ना हो जाऊँ, एंड आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा करके, पाथ फाइंडिंग आप लोग को ईजी होगा। एंड खाना खा के रहो, राइट। बहुत बड़ा केव सिस्टम है, एंड दिन भी हो चुका है, नाइस। तो लेट्स सर्च फॉर आवर बेस लोकेशन। बहुत सुंदर है ये जगह, बट मुझे बेड बनाना है बेड के लिए। सॉरी शिप, सॉरी शिप को सॉरी बोल के मारने में जो मज़ा है ना, तो तुम क्या समझो बेचारे। ये पिगी भाई है मेरा, मेरा फेस का मार्क्स देख के तुम मुझे जज मत करना, बिकॉज आई एम ए वेरी वेरी डेंजरस पर्सन, यू नो। नाइस 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 नाइस। ये शिप होने से मेरा शायद 3 वूल हो जाएगा, यस 3 वूल हो गया। क्राफ्टिंग टेबल भी है, तो उसे वुड चाहिए मुझे बेड बनाने के लिए, वुड भी मिल जाएगा। मैं इन शिप को नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही मोड़ लेता हूँ, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। एंड अगर मैं ये लोग को ब्रीड करूँगा तो मुझसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा मुझे, तो यस एक फुल पेयर को काट देता हूँ यहाँ पे आसपास में। ये कट गया, कट गया ये पेयर। एंड मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे घर बना दूँ क्या अपने लिए, या कहाँ पे बनाऊँ। ये जो ये माउंटेन जैसे नहीं है, पर हिली एरिया इधर में बना देते अपना घर इस पर। ओके लेट्स सी, क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रख दिया, उसके बाद डबल चेस्ट आ गया एक, क्योंकि नेसेसरी है। एंड उसके बाद सॉरी क्राफ्टिंग टेबल में खोलना चाहिए था मुझे, ये एक बेड आ गया। अपना ये फर्निश ठीक है, तो ये स्मेल्ट हो रहा है आयरन, आयरन को स्मेल्ट होने दो। अपने लिए आयरन का आर्मर बना लेते हैं फर्स्ट एपिसोड में ही,
देन इट विल बी वेरी वेरी फन फॉर अस गाइस। अगर आप लोग को बेड को डाई करना नहीं आता है तो आप लोग को बता देता हूँ कि आपको जस्ट फ्लावर लेना है, इसको डाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपने जो बेड प्लेस किया उसको हाथ में लेना है, देन डाई और बेड को एक साथ में रखो, ये बेड कलर हो जाएगा। देन आपके पास आपका पर्सनल येलो बेड आ चुका है, इसमें लगाओ एंड आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। अगर मरेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन हो जाएंगे। आयरन स्मेल्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट टूल्स रख देता हूँ, ये आ गया एंड थोड़ा वुड है, ये है। मैं सोच रहा हूँ एक आयरन का पिकेक्स बना लेता हूँ। ये आयरन का पिकेक्स स्वॉर्ड एंड हो। अगर आप न्यूली स्टार्ट किए हैं, आपके पास उतना आयरन नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बकेट बना ले, क्योंकि अगर आप बकेट होगा तो आप आपकी मर्जी से कहीं पे भी फार्म बना सकेंगे। आपने बकेट लिया एंड बना ले, जैसे 12 आयरन है मेरे पास अभी यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक बकेट बनाऊँगा यहाँ पे। देन उसके बाद एक एक्स और क्या क्या है मेरे पास, एक शवल चाहिए मुझे, शवल बना में लेंगे। हेलमेट आ गया, अभी वो बकेट लेते हैं, पानी फिल कीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना बकेट वाटर प्लेस कीजिए एंड ये हो लेके प्लेस कर दीजिए। तो मैं कंप्लीट फार्मिंग का वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ होगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। तो लेट्स सी, आयरन भी स्मेल्ट हो जाएगा एंड मैं अपने लिए आयरन आर्मर भी बना लूँगा कम्प्लीटली। सो हे गाइस, एज यू कैन सी मेरे पास अभी ये शील्ड है, अपना स्वॉर्ड है, आयरन का पैंट्स है एंड ये अपना आयरन का बूट्स भी इक्विप कर लेते हैं, तो आयरन का बूट्स है। तो अभी तक मैंने चेस्टलेट नहीं बनाया, आयरन कम पड़ रहा है मेरे चेस्टलेट बनाने के लिए, बट ये देखो मेरा ये फर्स्ट नेट का सेटअप है एंड इसके साथ मैं वीडियो एंड करूँगा, बट पहले एक बार सो लेते हैं। चल बाय बाय गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो।